एक अहम खबर के नाल जो कि विद्यार्थियों नाल जुड़ी हुई है। दरअसल दसवीं के नतीजे का ऐलान हो चुका है। सिक्ख्या बोर्ड वालों दसवीं के नतीजे का ऐलान किया गया ते दसवीं चो 97.54% विद्यार्थी पास हुए ने। दसवीं जमात विच भी कुड़िया ने बाजी मारी है। फरीदकोट की गगनदीप कौर पहले स्थान ते रही। गगनदीप कौर ने पूरे 650 नंबर नाल टॉप किया। फरीदकोट की नवजोत ने दूजा स्थान हासिल किया ते हरमनदीप कौर ने तीजा स्थान हासिल किया जो मानसा की रहने वाली दसी जा रही है। सरकारी स्कूलों की कुड़िया ने टॉप किया। तो दस दिए कि दसवीं के नतीजे का ऐलान हो चुका है ते पहलियां तीन थावां ते स्थानां ते कुड़िया ने ही बाजी मारी है ते कुल मिला के 97.54% बच्चे पास हुए ने। तो इस तो पहला बारहवीं का नतीजा ऐलानिया गया सीगा। बारहवीं के नतीजिया विच भी कुड़िया ने बाजी मारी सी ते एक बार मुड़ तो हुण अज पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने दसवीं के नतीजे का ऐलान किया और इन्होंने नतीजों में भी कुड़िया ने बाजी मारी है। 97.54% बच्चे पास हुए ने ते पहले तीन जो स्थान ने पहला दूजा ते तीजा स्थान जिथे कुड़िया एक बार मुड़ तो काबज हुई ने। तो गगनदीप कौर दस दिए कि फरीदकोट की रहन वाली है जिसने कि 650 नंबर हासिल किए ने। पहला स्थान पंजाब हासिल किया 650 पूरे नंबर नाल टॉप किया। तो फरीदकोट की ही नवजोत ने दूजा स्थान इन्हों पेपर हासिल किया है। फरीदकोट की कुड़िया पहले तो दूजे नंबर पर रही तो तीजे नंबर पर तीजे स्थान पर मानसा की कुड़ी ने दस दिए कि टॉप किया। आशु साढ़े सहयोगी होर जानकारी दे नाल जुड़ गए ने। तो आशु हुण बच्चों का इंतजार जो रिजल्ट का किया जा रहा है वह खत्म हो चुके। दसवीं के नतीजे का भी ऐलान हो चुके तो कुड़िया ने एक बार मुड़ तो बाजी मारी है। बिल्कुल साथी जेकर गल करिए तीन कुड़िया ने पहला दूजा तो तीजा स्थान हासिल किया। दो कुड़िया फरीदकोट के स्कूल दी है एक कुड़ी मानसा दे सरकारी स्कूल दी है जो तीजे स्थान पर रही है। तो इस तरह जेकर गल करिए कुड़िया की टोटल परसेंटेज भी मुंडिया के नालों 2% लगभग ज़्यादा हैगी है। 98% जिथे कुड़िया पास हुई उत्थे 96% मुंडे पास हुए हैं। तो जेकर टोटल परसेंटेज की गल करिए तकरीबन 97% तो उपर जिहड़ा पास परसेंटेज रहा। पर जेकर गल करिए पिछले 2 साल के अंकड़िया की तो जेकर मेरे हाथ के 2 साल के अंकड़े हैगे है तो जिक्र करा पिछले 2021 99.93% विद्यार्थी पास हुए थे। इस तरह जेकर 2022 की गल करिए 99.06% जिहड़े विद्यार्थी पास हुए थे। पर इस साल है जिहड़े 97.54% विद्यार्थी पास हुए है मतलब कि पिछले 2 साल के नालों 2% लगभग 2% जिहड़े विद्यार्थियों की पास परसेंटेज घटी है मतलब कि माड़े नतीजे इस बार बोर्ड के आए हैं। हालांकि मामूली जेकर गल करिए 97.06% जिहड़ा वाधा आपां कहीए कि होया मामूली वाधा जिहड़ा सरकारी स्कूलों के होया प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले जिहड़े वध विद्यार्थी पास हुए हैं। पर कि ना कि 2% का नुकसान होया पिछले 2 साल के मुकाबले। हालांकि 2019 के नतीजे की गल करिए 85% जिहड़े विद्यार्थी लगभग पास हुए थे उस दे नाल तां बहुत बेहतर है पर पिछले 2 साल के नालों माड़े नतीजे है। जी स्वाति बिल्कुल जाहिर तौर पर जिस तरह के नाल पास परसेंटेज का जिक्र कर रहे हैं पर क्योंकि पंजाब सरकार ने किया कि चंगी असी सिक्ख्या दे रहे हैं और ये हुण सरकारी स्कूलों के भी नज़र आ रहे क्योंकि जे पास परसेंटेज सरकारी स्कूलों की तो गैर सरकारी स्कूलों की असी देखिए तो गैर सरकारी स्कूलों की पास परसेंटेज सरकारी स्कूलों नालों घट है। तो हुण मन्या जावे आशु कि जो चंगी सिक्ख्या का वादा सरकार ने किया उसका असर भी हुण सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के जरिए रिजल्ट के जरिए देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आपां इस नूं थोड़ा बहुत कह सकते कि सरकार दे एफर्ट इस उपर चंगे है गया कि जेकर मामूली वाधा आया तो सरकार इस नूं अपनी उपलब्धि के तौर पर गिना सकती है। वो बिल्कुल सुभाविक तौर पर हरजोत बैंस इस नूं लैके ट्वीट भी करनगे पंजाब दे सिक्ख्या मंत्री इस नूं वाधा गिनाउणगे। पर एक निराशाजनक गल है कि पंजाब सरकार दे लई पंजाबी नूं प्रफुल्लित करन दे लई बहुत सारे कदम चुक रही है। जिहड़ी प्राइवेट दुकानां हैगियां उत्थे बोर्ड पंजाबी दे विच लिखणे आ पर जिहड़े आ बोर्ड दे नतीजे कुछ होर ही इशारे करदे आ। बोर्ड दे नतीजे किते ना किते निराशाजनक है 99.19% जिहड़े पंजाबी चो विद्यार्थी पास हुए है जदों कि अंग्रेजी दे विच भी वध है तो हिंदी दे विच भी वध 99.62% पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड पंजाबी दे विच है पंजाबी दे विद्यार्थी है। पर सब तो माड़े नतीजे पंजाब सिक्ख्या बोर्ड दे पंजाबी दे विच है 99.19% जिहड़े विद्यार्थी पंजाबी विच पास हुए है सब तो माड़े नतीजे जेकर आप गल करिए पंजाबी दे विच है।